उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य में मनाए जाने वाले मेले व त्योहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं और हिमाचल की यही संस्कृति विश्व भर में अपनी पहचान बनाए हुए है। सिरमौर जिले के राज्य स्तरीय वामन द्वादशी सराहा मेले के समापन अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। हर्षवर्धन चौहान ने आश्वासन दिया कि राज्य के स्कूलों व अस्पतालों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा अपने अभी तक के कार्यकाल में 22,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। आज सरकारी क्षेत्र में जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रह गई है, मगर हमारी कोशिश है, हमने पिछले 1.5 साल में हिमाचल प्रदेश में लगभग 22,000 पद सरकारी क्षेत्रों के इंटरव्यू के माध्यम से जो स्वीकृत किए हैं, जिसकी प्रक्रिया जो है तेजी से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जिला के गिनी घाट क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, क्षेत्र की आर्थिकी को और सुदृढ़ किया जा सके। इस दौरान उद्योग मंत्री ने वामन द्वादशी मेले की स्मारिका का भी विमोचन किया।